सिकंदराबाद हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार दानम नागिंदर ने जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार पर तनखीद का निशाना करते हुए कहा कि जी किशन रेड्डी को वोट दिया तो वो समझ गए कि वो कुछ नहीं कर सकते। मरकजी वजीर बनने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। तेलंगाना को कभी भी वो नहीं मिला जिसका वो हकदार था। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तेलंगाना के लिए कभी बात नहीं की। तो 5 साल पहले किशन रेड्डी को जिन्होंने वोट दिया था वो अभी रियलाइज हो गए कि हम किशन रेड्डी को डाले उससे तो बेहतर मुसी में डालना था। तो लोग ऐसा समझ रहे हैं अभी कि किशन रेड्डी से कुछ होने या नहीं है। केंद्र मंत्री बनने के बाद में उन्हें उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल कर जो है जो वादा उन्होंने किया था और केंद्र के सरकार किया था जो हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है हमको तेलंगाना को जो मिलना था वो नहीं मिला। उसके लिए कभी हमारा पार्लियामेंट में चर्चा होता था कभी भी जो है वहां से स्पॉन्टेनियसली उठ के उन्होंने कभी रिप्लाई देने का मौका नहीं दिया। कभी भी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस क्या होगा, कभी भी कोई स्टेट के लिए कोई आदमी कोई क्वेश्चन अगर डालता है कोई भी सब्जेक्ट के लिए हो दो इट में भी एनी अदर सब्जेक्ट और एनी दिस थिंग, लेकिन तेलंगाना के लिए जो बैकवर्ड स्टेट है और पहला स्टेट है तो इसमें जो मैंडेटरी था हमको आने का वो नहीं दिला सका। कभी भी पार्लियामेंट के अंदर वो रिएक्ट नहीं हुआ उठ के। लेकिन दूसरा स्टेट में मैं देखता था, मैं कोई बिहार का कोई बोलता है तो उसका मंत्री उठ के बात करता आधा घंटा, महाराष्ट्र का बात करता है तो कोई उसका मंत्री उठ के आधा घंटा बात करता, लेकिन इन्होंने बात नहीं किया। अभी आज बोलते हैं कांग्रेस को डालने से मुसी है। अरे तुम्हारा जो क्षेत्र में पुराना जहां रिप्रेजेंट करते थे उस एरिया में मुसी है, मुसी के लिए 10,000 करोड़ देने का हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एक्शन प्लान बनाया, तो आपका एक क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? मुसी आपके पूरा कॉन्सेंसी से जाती है। मुसी आज मुसी का बदबू से तुम्हारे लोग पूरे परेशान है, उसके लिए कभी तवज्जो नहीं दी आपने। आज बोलते मुसी, यानी मुसी एक ऐसा रिवर था एक्चुअली टू बी फ्रैंक, वो उसके अंदर इतना ड्रिंकिंग वाटर भी आता था उसके अंदर और साफ सुथरा वाटर आता था, क्योंकि हमारा हैदराबाद के 4 शोर से उस्मान सागर, नागार सागर, श्रीराम सागर, ये चारों में ऐसे इसमें खासकर उस्मान सागर, हिमायत सागर का पानी हम आज भी वही पानी पीते हैं। किशन रेड्डी बाहर से आके हमारा पानी पी के हमको बोल रहा हूँ, लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा आप क्या लाए हो 10 साल में और ये 5 साल के दरमियान में तुम क्या लाए हो स्टेट के अंदर? कुछ भी नहीं, कुछ काम किया नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है, आवाम से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जीत गए हवा के उसमें जीत गए, हवा में जीतने वाले और अब कांग्रेस के लिए बात करते हैं तो इस बार जिम्मा आज आवाम सिकंदराबाद की आवाम जाग चुकी है, जरूर किशन रेड्डी साहब को शिकस्त मिलने वाला है।